हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जो खाने की चीज़ें हैं, जो फूड है, उसमें इंक्रीज करेंगे, किस तरह से उसमें एनहांसमेंट करेंगे। तो उसी में हमने पिछले लेक्चर्स में पोल्ट्री फार्मिंग का पढ़ा, डेयरी फार्मिंग का पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हमें जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है, उनसे प्रोडक्ट हमें किस तरह से मिलता है, एग्स मिलते हैं और मीट मिलता है। साथ में डेयरी फार्मिंग में रियर किसको पाला पोसा जाता है, किसको बड़ा किया जाता है, जो कि हमें दूध देंगे एनिमल्स या दूध से बने हुए प्रोडक्ट जिनसे हमें मिलेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि एनिमल ब्रीडिंग क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको हाई यील्डिंग एनिमल्स चाहिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिन एनिमल्स में ब्रीडिंग हुई है, जिन एनिमल्स की जो प्रजनी है वो आगे आई है, उस प्रजनी के पेरेंट्स जो हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के हैं। कैसे हैं? सुपीरियर क्वालिटी के हैं। तो हमको सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स का ब्रीडिंग करवाना होता है ना। तो इसमें यही सब हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट एनिमल ब्रीडिंग नाउ। अगेन टेलिंग यू कि हर एक वर्ड जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ज़रूर करवाए जाएंगे। तो चलिए एनिमल ब्रीडिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आप जानते हैं, जिसमें जानवर, मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हमारी, जिसमें हम जानवर को पालते पोसते हैं और उनसे उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं ताकि हम अपने लिए उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें, वही एनिमल हस्बेंड्री है। और एनिमल हस्बेंड्री का ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है? एनिमल ब्रीडिंग एम एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। देखिए, ध्यान रखिए बेटा, एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है? एनिमल ब्रीडिंग का मकसद है कि जो जानवर हैं उनकी यील्ड को इंक्रीज करना है और जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को भी बेहतर करना है। जो क्वालिटी आप चाहते हैं उनके प्रोडक्ट में हो, उस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो इसीलिए आपको एनिमल ब्रीडिंग करना पड़ेगा, मतलब सुपीरियर जो एनिमल्स होंगे उनकी ब्रीडिंग करवा के ही आपको अपने मनपसंद कैरेक्टर्स जो हैं वो एज अ प्रोडक्ट मिल पाएंगे। आपको सही सेलेक्ट करना पड़ेगा वैरायटी को, ब्रीड को मेटिंग के लिए, तभी आप सही से प्रोडक्ट ले पाएंगे। देखिए, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, ये आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, ठीक है। फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वुड वी हैव ब्रीड एनिमल्स। किस तरह की कैरेक्टर्स के लिए हम एनिमल्स को ब्रीड करते हैं, है ना। जब हम एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं, दो एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं, दो ब्रीड्स को जो है हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम कौन से कैरेक्टर्स का ध्यान रखते हैं ब्रीडिंग करते टाइम। देखिए, अब इसका आंसर क्या है? द कैरेक्टर वी शुड लुक फॉर टू ब्रीड एनिमल्स आर फिजिकल अपियरेंस, साइज, कॉन्फिगरेशन एटसेट्रा, है ना। तो जो भी कैरेक्टर्स हम देखेंगे एनिमल्स को ब्रीड करते टाइम, वो होगा कि वो देखने में कैसे हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कैसा उनका साइज है, है ना, ये सब, उनका कॉन्फिग्रेशन कैसा है, ठीक। उनमें हमारे जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो कैरेक्टर्स उनमें हैं या नहीं है, मतलब, है ना। तो देखिए, एनिमल्स विदाउट एनी फिजिकल डिसेबिलिटी और एनी इन्फीरियोरिटी आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग पर्पस। तो ये हो गया आपका फिजिकल अपीयरेंस। तो ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनमें कोई भी शारीरिक तौर पे डिसेबिलिटी ना हो, उनमें कोई भी जो है वो कमी ना हो, इन्फीरियरिटी ना हो, ठीक। फॉर हैविंग द बेस्ट ब्रीड एंड प्रोजेनी सुपीरियर पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। वी नो दैट
कि हमको बेस्ट ब्रीड चाहिए, बेस्ट प्रोजेनी चाहिए, बेस्ट ऑफस्प्रिंग चाहिए, तो सुपीरियर पेरेंट्स को ही हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। द एनिमल्स ऑफ बेटर साइज आर प्रेफर्ड फॉर ब्रीडिंग। तो बड़े साइज के एनिमल्स को, जो अच्छा एक साइज होता है जिनका, उन्हीं को ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्शन ऑफ एनिमल शुड ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और डिजायर, है ना। तो एनिमल्स का जो सिलेक्शन होगा वो आपकी रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपको एनिमल में, आपको आगे वाली प्रोजेनी में कौन सी क्वालिटीज चाहिए, तो आप वही क्वालिटी वाले पेरेंट्स को सेलेक्ट करोगे। तो अपीयरेंस, साइज, कॉन्फिग्रेशन, मतलब आपके डिजायर्ड जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं उनमें या नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब भी आप एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है, वुड द सेलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल। देखिए, अब डिपेंड करता है हम कौन से एनिमल की ब्रीडिंग करवा रहे हैं। जैसे हम काउ की करवा रहे हैं, हम हॉर्स के लिए करवा रहे हैं, हम बुफालोस की करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या चॉइस ऑफ एनिमल्स के साथ साथ जो उनके कैरेक्टर का सेलेक्शन होगा वो भी चेंज होगा? हाँ, डेफिनेटली जब हम काऊ का सोचेंगे तो हम कुछ और कैरेक्टर्स चाहेंगे जो प्रजाति में आए। अगर हम हॉर्स का सोचेंगे तो हम कुछ और कैरेक्टर सोचेंगे प्रजाति में आए। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, अगर एक काऊ है और एक हॉर्स है, तो हॉर्स तो भागता है ना, तो हम डेफिनेटली जो सुपीरियर प्रजाति आएगी हॉर्स की, वो ज़्यादा दौड़ने वाली चाहेंगे। अब काऊ का हम मिल्क चाहेंगे ना, कि मिल्क अच्छा आए, है ना, लेबर दे पाए अच्छे से, ज्यादा भागे, वो तो हमें नहीं चाहिए ना काऊ में। तो सेलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो है विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स चेंज हुई या नहीं हुई, टेल मी, यस और नो। चेंज हुई? यस मैम, चेंज हुई। तो देखिए, यस द सेलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स। जैसे आप एनिमल का चॉइस बदलेंगे, टाइप ऑफ एनिमल चेंज होगा, कैरेक्टर का सेलेक्शन भी चेंज होगा। द सेलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द पर्पस फॉर विच एनिमल इज चूजन, है ना। तो सेलेक्शन किस पे डिपेंड करता है? सेलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो है, आप कैरेक्टर्स क्या सोच के डिपेंड चूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप जानवर को किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, आगे आप प्रजाति में कौन सा कैरेक्टर चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा मीट चाहते हैं तो कैसा है? और अलग कैरेक्टर चूज करने पड़ेंगे। आप ज़्यादा दूध चाहते हैं तो अलग करने पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपका जो, अगर हॉर्स के लिए करवा रहे हैं तो ज़्यादा भागे वो, तो कैरेक्टर्स कुछ और होंगे। वहीं अगर हम पोल्ट्री के लिए करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, द चिकन आर चूजन फॉर हाई ग्रोथ रेट एंड मीट प्रोडक्शन। देखिए, ब्रॉयलर्स क्या होते हैं बच्चे, वो चिकन है ना, वो होते हैं जिनसे हमें मीट चाहिए होता है, वो ब्रॉयलर्स होते हैं। पोल्ट्री में दो टर्म्स आती हैं, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। ब्रॉयलर्स होते हैं जिनसे हमको मीट मिलता है, एंड लेयर्स आर चूजन फॉर हाई यील्ड ऑफ एग्स। लेयर्स जो है, लेयर्स का सिलेक्शन किया जाएगा जब आपको एग का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, मीट का प्रोडक्शन उतना नहीं चाहिए। ब्रॉयलर्स का सिलेक्शन होता है जब आपको मीट का प्रोडक्शन चाहिए, एग के प्रोडक्शन से उतना कोई लेना देना नहीं है। तो मीट येल्डिंग जो आपके पोल्ट्री होती है उसको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, और जो एग लेइंग है ज़्यादा, हाई यील्ड एग प्रोड्यूस करते हैं, जिनका एग का यील्ड ज़्यादा है, उनको हम लेयर्स कहते हैं। तो चॉइस ऑफ एनिमल्स के साथ हमारा सिलेक्शन जो होगा कैरेक्टर्स का, वो भी चेंज करेगा। क्लियर? चलिए, अब सबसे पहली बात, हम एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है जानना कि ये ब्रीड टर्म जो है बच्चा, वो क्या है, कि टर्म ब्रीड क्या है। हम ब्रीडिंग ब्रीडिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ये ब्रीड क्या है? अच्छा, अब सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डॉग्स का, डेफिनेटली। तो देखिए, ये डॉग्स जो हैं, आपको दिखाई दे रहा है डॉग्स का, यहाँ स्पीसीज की बात नहीं हो रही है। एक स्पीसीज में भी बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, है ना। है तो ये कुत्ता ही है भाई, है
डॉग ही है ये, डॉग का स्पीसीज कोई अलग नहीं है ना, ये डॉग ही है, ये एक ही स्पीसीज है ये। लेकिन देखिए बेसिक कैरेक्टर्स तो इनमें सेम है और ये इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। एक अलग स्पीसीज कब फॉर्म होती है? जब वो अपनी पहली वाली स्पीसीज के एनिमल्स के साथ बिल्कुल भी इन ब्रीडिंग नहीं शो कर पाएगी, रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पाएगी। लेकिन डिफरेंट ब्रीड्स के जो एनिमल्स हैं वो ब्रीड कर सकते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा तुमको ये देखने में अलग लग रहा है, साइज इनका अलग होगा, फीचर्स थोड़े अलग हैं, अपियरेंस इनका अलग है, ठीक। लेकिन फिर भी इनका डिसेंट जो है, ठीक है, जो इनका पूर्वज हैं, पूर्वज क्या बोलूँ मैं, ठीक है, तो ये जुड़े हुए हैं ना, स्पीसीज तो ये एक है ना, है कि नहीं, एक स्पीसीज ये एक है कि नहीं है? बिल्कुल स्पीसीज जो है ये एक ही है। तो फिर समझ आया ब्रीड या नहीं आया? वंश क्रम जो है इनका, वंश जो हम कहेंगे वो इनका वंश है, सेम ही वंश के, मतलब कुत्ते के ही है ये, कुत्ते ही है ये ना। तो ब्रीड ये देखिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपियरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फिग्रेशन एटसेट्रा आर सेट टू बिलोंग टू अ ब्रीड, ठीक है। ये एनसीईआरटी है, कहीं बाहर से नहीं है, है ना। तो ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनका वंश क्रम सेम होता है और उनके मोस्ट ऑफ कैरेक्टर सेम हैं, जैसे कि देखने में ऑलमोस्ट सेम है, फीचर सेम है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा वेरी भी कर सकता है ना, और कॉन्फिग्रेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट उनमें सेम तरह की होती है विथ अ लिटिल वेरिएशन। वो सब एक ही ब्रीड के होते हैं। ब्रीड में हमको कुछ कुछ क्वालिटीज अलग मिलती हैं लेकिन उनका डिसेंट जो है वो सेम होता है। डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स जो हैं वो सक्सेसफुली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डॉग्स को, ऐसा थोड़ी है ना कि एक ब्रीड का डॉग जो है सिर्फ सेम ब्रीड के जो फीमेल डॉग होगा उसी के साथ ब्रीड करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। नो, बल्कि वो किसी भी फीमेल डॉग के साथ ब्रीड कर सकता है, ठीक है, किसी भी डिफरेंट ब्रीड के साथ भी वो ब्रीडिंग कर सकता है। तो यू गॉट माई वर्ड्स कि ब्रीड एग्जैक्टली है क्या, है ना। तो कोई भी ऐसे एनिमल जिनका डिसेंट सेम है और मोस्टली उनके कैरेक्टर सेम है वो एक ब्रीड में आते हैं। चलिए नेक्स्ट, एनसीईआरटी आपसे पूछता है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री इन द फार्म्स ऑफ योर एरिया। तो देखिए अपने आसपास के एरिया में तुमको डेयरी फार्म्स भी मिलेंगे, पोल्ट्री फार्म भी मिलेंगे, जाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी ब्रीड्स जो हैं वो वहां होती हैं, है ना। चलिए तो ब्रीडिंग का पढ़ते हैं हम मेनली एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स किए, हमने समझा कि ब्रीड क्या होता है। अब ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग हो सकती है या आउट ब्रीडिंग हो सकती है। इन ब्रीडिंग का मतलब है सेम ब्रीड के एनिमल्स में ब्रीड करना, बिटवीन सेम ब्रीड्स, ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड्स, है ना। आउट ब्रीड मतलब अब सेम ब्रीड्स नहीं है, कैसे हैं, डिफरेंट ब्रीड्स हैं। इज इट क्लियर? इन ब्रीडिंग जो है वो सेम ब्रीड्स में होगा, आउट ब्रीडिंग जो है वो डिफरेंट ब्रीड्स में होगा। तो आउट ब्रीडिंग में मेल लिया जाता है आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग अलग रखिएगा, गलती से भी गलत नहीं करना है। चलिए देखिए, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग हम कब कहते हैं? जब ब्रीडिंग सेम तरह के जानवर में होगी, सेम तरह की ब्रीड्स में होगी, ठीक, सेम ब्रीड के एनिमल्स में होगी, उसको हम इन ब्रीडिंग कहेंगे। व्हाइल द क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स आर कॉल्ड
आउट ब्रीडिंग, ठीक है। अगर दो डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल है तो उनमें जो ब्रीडिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, आउट ब्रीडिंग। अब चलिए एग्जाम्पल है तो स्नेक ही है ना, लेकिन इनके जो जीन्स हैं, एलील्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी ब्रीड्स चेंज हो सकती हैं। अब देखिए, ये सेम ब्रीड के स्नेक हैं, तो इनमें जो ब्रीडिंग हुई और जो प्रजनी आई उसको हमने कहा, ये इनमें क्या हुई, इनब्रीडिंग हुई। फिर अब ये देखिए, इनको देखिए, इनमें आपको अलील्स भी डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। तो ये दो अलग ब्रीड्स हैं और दो अलग ब्रीड्स में ब्रीडिंग हुई, ठीक, तो उसको हमने क्या बोल दिया, आउट ब्रीडिंग। विद इन द सेम ब्रीड ब्रीडिंग करेंगे, एक ही ब्रीड के इंडिविजुअल्स में ब्रीडिंग करेंगे तो हो गया इनब्रीडिंग। दो डिफरेंट ब्रीड्स के इंडिविजुअल में ब्रीडिंग करवाएंगे वो हो गया आउट ब्रीडिंग। लेकिन स्पीसीज नहीं चेंज हो रही है इसमें, सिर्फ ब्रीड्स चेंज हो रही है ना। दो ब्रीड्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। चलिए, वेरी फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनब्रीडिंग नाउ, कि इनब्रीडिंग क्या है। चलिए पहले मैं समझा देती हूँ तुम्हें कि किस तरह से होता है। सपोज करिए कि ये एक इंडिविजुअल है और सेम यही एक इंडिविजुअल है, ठीक है, सेम मतलब इसी ब्रीड का इंडिविजुअल है, तो इनके कैरेक्टर्स बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। बिल्कुल कैरेक्टर्स कैसे होंगे, इनके सेम तरह के कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब आपने अभी जेनेटिक्स शायद ना पढ़ा है, ठीक, तो यहाँ पे ये गैमेट्स जो हैं इनका सेग्रीगेशन हो जाता है, ये ए वाला अलग होगा, ये ए वाला अलग हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली इसके भी ए और ए अलग हो जाते हैं, ठीक। तो हम एक-एक से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए, ये एक इससे आया, एक दूसरे से आया, और अल्टीमेटली यहाँ पे ये प्रोजेनी आ गई, ठीक है, ये आ जाती है यहाँ पे प्रोजेनी, क्लियर है, ठीक। तो ये इनब्रीडिंग हुई, सेम ब्रीड के एनिमल्स में ब्रीडिंग करवाई, ये इनब्रीडिंग हुई, दिख रहा है ना, सेम तरह का आपको क्या मिल गया, आगे मिल गया इंडिविजुअल, ठीक। लेकिन फिर भी सेम ब्रीड में भी आप सुपीरियर एनिमल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा एनिमल्स में जो है आपको अच्छा दूध मिल रहा है, उसी ब्रीड के कौन से एनिमल में आपको अच्छा दूध मिल रहा है, आप क्या आपको अच्छा मांस मिल रहा है, या ये वाला जो पर्टिकुलर, जैसे आपने लेयर्स देखे बहुत सारे, मतलब ऐसे बर्ड्स जो कि एग देते हैं, ऐसे मुर्गियां जो कि बहुत सारे अंडे देंगी, है ना, उसमें से आपने कोई बिल्कुल ऐसी मुर्गी देखी जो बहुत अच्छे और ज्यादा अंडे देती है, ठीक, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, है ना। बाकी भी अंडे दे रही हैं, लेकिन आप किसको सेलेक्ट करोगे, जो ज्यादा अंडे दे रही है, ठीक। तो इनब्रीडिंग में भी चाहे आप सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स में ब्रीड करवाएंगे, लेकिन सुपीरियर प्रोजेनी को देखा जाएगा, ठीक। एक प्रोजेनी ये आई होगी और दूसरी प्रोजेनी और एक आई होगी, मतलब ये जो पेरेंट्स हैं इनसे एक और प्रजनी आई होगी, तो वो भी ए और ए होगी, चाहे एक और बनेगी, चाहे कितनी भी बनेगी, उनमें सब में आपको ए और ए इसी तरह की अलील्स देखने को मिलेंगी, ठीक। लेकिन अगेन हो सकता है कि एक जो है वो दूसरे से थोड़ा सा सुपीरियर है, ठीक, एक जो है वो दूसरे से थोड़ा सुपीरियर है, तो प्रजनी में आप सुपीरियर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक, उनको सेलेक्ट किया तो उनकी फिर मेटिंग करवाएंगे, फिर दोबारा प्रजनी आएगी तो फिर तुम फिर मेटिंग करवाओगे सुपीरियर्स की, फिर और सुपीरियर प्रजनी आएगी, है ना। तो इस तरह से 4 से 6 जनरेशन तक क्या करेंगे, सेम ब्रीड के सुपीरियर इंडिविजुअल्स की मेटिंग करवाते रहेंगे, ठीक है, सेम ब्रीड के सुपीरियर इंडिविजुअल्स की मेटिंग करवाते रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, नहीं समझ आएगा तो अपने डाउट सेक्शन में इसको लिख लीजिएगा। जब भी कोई लेक्चर आप अटेंड करते हैं, उस लेक्चर के दौरान आपको छोटा सा छोटा जो भी डाउट होता है वो आपको मुझे बताना होता है, ठीक है। इनब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। तो
इनब्रीडिंग क्या हो गया, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स होंगे, एक ही ब्रीड के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें 4 से 6 जनरेशन तक मेटिंग करवाएंगे आप, उसको बोलेंगे इनब्रीडिंग। ठीक है, द ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी इज एज फॉलोज। सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। देखिए क्या हुआ, ब्रीड है ये, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये बहुत सारे एनिमल्स हैं, मेल एंड फीमेल जो हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक, इनमें से आपने एक, ये समझ लीजिए ये फीमेल एनिमल है, ठीक है, और ये मेल एनिमल है, ठीक, और ये दोनों सबसे ज्यादा सुपीरियर दिखे, तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इनमें आपने क्या करवा दी, मेटिंग करवा दी, आगे प्रजनी आई, चाहे एक आई, दो आई, तीन आई, चार आई, कुछ भी आई, ठीक है, आगे क्या आएगी, प्रजनी आएगी। अब आपने पहले ही सुपीरियर पेरेंट्स सेलेक्ट किए थे, तो प्रजनी थोड़ी क्या होगी, सुपीरियर प्रजनी होगी। कैसे होगी प्रजनी, थोड़ी सुपीरियर होगी, लेकिन इस प्रजनी में भी कुछ और सुपीरियर इंडिविजुअल होंगे, कुछ कम सुपीरियर होंगे, कुछ ज्यादा सुपीरियर होंगे, तो जो ज्यादा सुपीरियर होंगे उनको आप सेलेक्ट करेंगे, उनका आप मेटिंग करवाएंगे। ठीक, तो फिर आगे और सुपीरियर प्रजनी आएगी। अब ये जो प्रजनी आई ये अपनी पिछली प्रजनी से सुपीरियर है, ठीक, इससे भी सुपीरियर है, और इससे भी सुपीरियर है, और इनसे भी सुपीरियर है। ठीक, तो आगे फिर आप इसमें भी कुछ और सुपीरियर को देखेंगे और उनका फिर मेटिंग करवाएंगे, ब्रीड सेम है ना, और सुपीरियर्स को देखेंगे, उनका मेटिंग करवाएंगे, और फिर आपको और ज्यादा सुपीरियर प्रजनी जो है वो मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको बहुत ही सुपीरियर प्रजनी मिल गई। ठीक, लेकिन आपने क्या किया, सेम ब्रीड को देखिए, 3 4 4 से 6 जनरेशन तक सेम ब्रीड के इंडिविजुअल में आप मेटिंग करवा रहे हैं, फिर आप हर बार जब भी मेटिंग करवाते हैं आप उसमें से अगेन सुपीरियर पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और अगली प्रोजेनी लाते हैं, तो इसी वजह से हर बार सुपीरियर सेलेक्ट करने की वजह से आगे से आगे, आगे से आगे आपको सुपीरियर प्रोजेनी जो है वो मिल रही थी। इज इट क्लियर नाउ कि किस तरह से होगा? ठीक है, चलिए देखिए, द ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी इज एज फॉलोज। सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर। ठीक है, द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सच मेटिंग आर इवैल्यूएटेड एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मेटिंग। क्लियर ना, जो अभी किया हमने कि जो प्रोजेनी आई उसमें से भी आप उनका इवैल्यूएशन करेंगे, चेक करेंगे कौन सा सुपीरियर मेल है, कौन सा सुपीरियर फीमेल है, ठीक, फिर उनकी फर्दर मेटिंग करवाएंगे। ठीक है, अब एक सुपीरियर फीमेल क्या होती है कैटल के केस में? अ सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ कैटल इज द काउ और बफेलो दैट प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो गाय है, ठीक है, एक गाय जो है एक बार जब हम उससे दूध निकालते हैं वो 5 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय जो है, ठीक है, ये गाय नंबर वन, ये गाय नंबर टू, ये एक बार जब दूध निकालते हैं, एक बार लैक्टेशन इससे करते हैं, तो ये 8 लीटर दूध देती है, तो बताइए इन दोनों में से सुपीरियर फीमेल कौन होगी? नंबर टू विल बी द सुपीरियर फीमेल, नंबर वन सुपीरियर फीमेल नहीं होगा, कौन सा होगा बेटा, नंबर टू जो है वो सुपीरियर फीमेल होगा। ऑन द अदर हैंड अ सुपीरियर मेल इज द बुल विच गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू दोज ऑफ अदर मेल्स। ठीक है, अब देखिए, अब एक सुपीरियर मेल किसको कहेंगे हम? तो वो बुल को, मेल मतलब कैटल्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो गाय में और बुफेलो में पहले हमने चूज किया, तो वही उनका मेल पार्ट अब हम देख रहे हैं, है ना, तो अ सुपीरियर मेल जो है वो मेल कहलाएगा जो एक मजबूत प्रोजेनी दे सकता है, जो खुद भी मजबूत है और उसकी प्रोजेनी भी कैसी होगी, मजबूत प्रोजेनी होगी। ठीक है, तो एक हो गया सुपीरियर मेल, दो मेल हो गए। ठीक है, अब ये वाला मेल जो है ये हट्टा कट्टा है, आगे प्रोजेनी अच्छी आएगी, ये वाला मेल थोड़ा
वीक है। अब सुपीरियर मेल कौन सा हो गया फिर? नंबर टू। अगेन नंबर टू, नंबर टू, ठीक है। ये सुपीरियर मेल है, ये सुपीरियर फीमेल है, इनकी मेटिंग करवाई जाएगी और आगे जो प्रजनी आएगी वो दूध भी अच्छा देगी, ठीक, और उसमें लेबर वर्क के लिए भी अच्छी ताकत होगी। तो इज इट क्लियर कि सुपीरियर फीमेल कौन सी होगी और सुपीरियर मेल कौन सा होगा? चलिए देखिए, अ सिमिलर स्ट्रैटेजी इज यूज फॉर डेवलपिंग प्योर लाइंस इन कैटल एज वॉज यूज इन केस ऑफ पीज। अब आपने अभी जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है, यहाँ छोटी सी जेनेटिक्स की बात हुई है कि देखिए पीस में जब प्योर लाइंस मेंटेन करने की बात की गई थी तो प्योर लाइंस में क्या किया जाता है, सेम जीन्स वाले इंडिविजुअल्स को ब्रीड कराया जाता है, उनकी मेटिंग की जाती है, ठीक है। तो पीस में जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए था, तो जैसे अगर एक में ए ए जीन्स हैं तो दूसरे में भी कैसी रहेंगी, ए ए जीन्स ही रहेंगी, ठीक। तो इस तरह से आगे आपको क्या मिलेगा, इनसे ए ए वाली ही प्रजाति मिलेगी, कोई अलग मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक। सेम तरह से होमोजाइगस जीन्स मिलेंगी, ठीक, सब ए ए ही आएंगे, क्लियर है या नहीं है? तो इस तरह से आप किसी कैरेक्टर की प्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। किसी कैरेक्टर की प्योरिटी को मेंटेन रखना है तो आपको बिल्कुल सेम ब्रीड में ही सेम ब्रीड के ही इंडिविजुअल्स को मेट करवाना पड़ेगा और सुपीरियर को मेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर स्ट्रैटेजी प्योर लाइंस अगर तुमको डेवलप करनी है तो वही स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी जो हमने पीस के केस में की थी, जिसमें क्या किया जाता है, सेम जो जीन्स वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है ताकि आगे वही जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती रहें। लेकिन जब सेम तरह की जीन्स ही एक्सप्रेस करती रहेंगी तो कैसी कंडीशन बन जाएगी, होमोजाइगोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। सारे इंडिविजुअल में क्या होगा, जीन्स ए ए ए ए ए ए, है ना, इसी तरह के सब होंगे, तो क्या इंक्रीज होगी, होमोजाइगोसिटी। अब देखिए यहाँ पे देखिए बी एंड बी, एक कैपिटल बी है एक स्मॉल बी है, तो दिस इज नॉट होमोजाइगस, ये हिटीरोजाइगस है, ये भी क्या है, हिटीरोजाइगस है। जब कैपिटल बी दोनों सेम जीन्स हैं दैट इज होमोजाइगस, यहाँ पे स्मॉल बी है दोनों दैट इज होमोजाइगस, क्लियर। तो देखिए इनब्रीडिंग से क्या इंक्रीज होगा, होमोजाइगोसिटी, क्योंकि इनब्रीडिंग में हम क्या करवा रहे हैं, इनब्रीडिंग में हम सेम तरह के सेम जीन्स वाले इंडिविजुअल्स की ही ब्रीडिंग करवा रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना, तो उससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। दस इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वॉन्ट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी एनिमल का एक प्योर लाइन बने, मतलब बस कोई और कैरेक्टर्स नहीं आए, उसी एनिमल के कैरेक्टर जो हैं आगे बढ़ते रहें, वही कैरेक्टर्स रहें, कोई दूसरे कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, तो आप इनब्रीडिंग ही करवाएंगे। इनब्रीडिंग करवाने से ही एनिमल्स का प्योर लाइन जो है वो इवॉल्व होगा। अगर आपने दूसरी कोई भी ब्रीड यूज करी, दूसरी कोई भी ज्यादा अलग जीन्स यूज करने की कोशिश करी, तो इनब्रीडिंग जो है वो नहीं होगी, मतलब प्योर लाइंस। इनब्रीडिंग अगर करवा भी रहे हैं लेकिन जेनेटिकली सेम नहीं है इंडिविजुअल ज्यादा, तो प्योर लाइंस मेंटेन नहीं रहेंगी। इनब्रीडिंग के लिए जरूरी है कि आप सेम जेनेटिक मेकअप वाले इंडिविजुअल्स को ही ब्रीड करवाएं, जो कि एक तो सेम ब्रीड के ही होंगे, दूसरा सुपीरियर भी होंगे, और वही प्रजनी आप बार बार मेट करवाएंगे, तो आपकी प्योर लाइंस जो हैं वो मेंटेन रहेंगी। तो प्योर लाइंस मेंटेन किससे रहती हैं, इनब्रीडिंग से रहती हैं, है ना। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सेलेक्शन। लेकिन ये याद रखिएगा कि इनब्रीडिंग से रिसेसिव जीन्स बच्चे खुद को ऐसे एक्सप्रेस नहीं करती हैं, ये देखिए ये बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है, ये हिटेरोजाइगस है, ठीक। अब देखिए ये स्मॉल बी यहाँ खुद को एक्सप्रेस नहीं, अगर मैं बोलूं कि ये ब्लैक, इससे जो इंडिविजुअल आएगा वो ब्लैक आएगा, ठीक है, इससे जो इंडिविजुअल आएगा वो ब्लैक आएगा, ठीक। लेकिन अगर ये स्मॉल बी वाले मेट करते हैं, ठीक,
तभी ये दोनों एक दूसरे एक खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं और इंडिविजुअल वाइट आ जाएगा। ठीक, तो होता क्या है, इनब्रीडिंग की वजह से कुछ रिसेसिव जीन्स होती हैं। रिसेसिव जीन्स खुद को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाती हैं, हिटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं करती हैं। तो इनब्रीडिंग की वजह से क्या होगा, जो हार्मफुल जीन्स हैं, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स हैं, वो भी खुद को एक्सप्रेस करने लगेंगी। अगर आउटब्रीडिंग हुई होती तो हो सकता था कि वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई होती सिलेक्शन से, है ना। लेकिन इनब्रीडिंग जब होगी तो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स भी खुद को एक्सप्रेस कर सकती हैं, ये बात नहीं भूलनी है। हमने माना कि इनब्रीडिंग प्योर लाइंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ इनब्रीडिंग ही करवाएंगे तो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो हैं वो भी एक्सप्रेस हो सकती हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अकोमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। ठीक है, इनब्रीडिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि हम प्योर लाइन मेंटेन कर सकते हैं एनिमल की, प्लस ऐसे सुपीरियर जीन की अकोमुलेशन में इनब्रीडिंग हेल्प करेगा, और जो हमारी लेस डिजायरेबल जीन्स हैं जो हमको नहीं चाहिए उनको एलिमिनेट भी कर देगा। लेकिन ये तो होगा कि सुपीरियर जीन्स बनेंगी, ठीक, लेस डिजायरेबल जीन्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, लेकिन कुछ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स भी हैं जो अब खुद को एक्सप्रेस कर सकती हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग में फायदा है, नुकसान भी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनब्रीडिंग में क्या होता है, चलिए देखिए। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये स्टेप कि जिसपे क्या होगी, हर एक स्टेप पे जो है सेलेक्शन होगी। जैसा मैंने तुमको कहा कि तुमने सुपीरियर प्रजाति को सेलेक्ट किया, इनका मेटिंग करवाया, आगे क्या आई, और सुपीरियर प्रजाति आई। ठीक है, अब इस सुपीरियर में भी कौन ज्यादा सुपीरियर है उनको सेलेक्ट किया, उनका मेटिंग करवाया, फिर सुपीरियर प्रजाति आई, इसमें और ज्यादा सुपीरियर को सेलेक्ट किया और सुपीरियर आया। ठीक, अब जब तुम्हारे पास सुपीरियर से सुपीरियर आएगा, ठीक है, तो फिर इनब्रीडिंग जो पॉपुलेशन थी, इनब्रिड जो पॉपुलेशन है, ठीक, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हर बार तुमने सुपीरियर को सेलेक्ट किया है और तुम जानते हो कि सुपीरियर मेल क्या है और सुपीरियर फीमेल क्या है, ठीक है, तो फिर आगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, हर स्टेप पे तुम सुपीरियर सेलेक्ट कर रहे हो। ये जो अप्रोच है कि हर स्टेप पे सेलेक्ट करना है, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है पॉपुलेशन में। ठीक, हाउएवर कॉन्टिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दैट वी नो कि अगर हम सिर्फ कॉन्टिन्यूसली इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं और बहुत क्लोज इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो इंडिविजुअल हैं उनकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना, फर्टिलिटी मेनली डिक्रीज होना क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर आने के लिए क्या करवाना पड़ता है, आउटब्रीडिंग करवानी पड़ती है। तो वेन एवर दिस बिकम अ प्रॉब्लम सेलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जब भी प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, तो बोलते हैं कि अगर आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करना है तो आपको ब्रीड चाहे सेम ले लीजिए, ठीक है, ब्रीड चाहे सेम ले लीजिए, लेकिन अनरिलेटेड अनरिलेटेड होने चाहिए इंडिविजुअल्स, रिलेटेड नहीं होने चाहिए। यहां देखिए, सारे इंडिविजुअल्स कैसे थे, रिलेटेड थे। इनके पेरेंट्स कैसे थे, इन सबके पेरेंट्स क्या थे, ये थे, तो इंडिविजुअल रिलेटेड हैं कि नहीं। ठीक, इनके पेरेंट्स कौन थे सबके, ये थे। ठीक है, तो इंडिविजुअल अगेन क्या है, रिलेटेड है। तो पहले जो हम इनब्रीडिंग करवा रहे थे प्योर लाइंस मेंटेन करने के लिए, वो हम क्लोजली रिलेटेड
इंडिविजुअल्स के साथ कर रहे थे और वो सेम ब्रीड को बिलोंग करते थे, लेकिन जो अब ब्रीड करवाएंगे वो सेम ब्रीड के तो हो जाएंगे लेकिन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे। कैसे इंडिविजुअल्स होंगे बेटा? अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे, तो समझ गए। जब भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगेगा तो आपको कैसा एनिमल्स को सेलेक्ट करना है? ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट करना है जो सुपीरियर हो लेकिन अनरिलेटेड हो, सेम ब्रीड के हो जाएं लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से उनमें थोड़ा थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा और हेंस हमको अपनी प्रजनन में भी चेंज देखने को मिलेगा, फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, दिस यूजुअली हेल्प्स रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड। तो जब आप ऐसा करते हैं कि अपना क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल में मीटिंग ना करवा के दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ करवाते हैं, चाहे वो सेम ब्रीड के हैं, तो उसकी वजह से फर्टिलिटी को रिस्टोर किया जा सकता है, यील्ड को रिस्टोर किया जा सकता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, आउट ब्रीडिंग, तो ये पूरा क्या आ गया? आउट ब्रीडिंग, ठीक है। इन ब्रीडिंग विद इन सेम ब्रीड जरूर होता है, ठीक है, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड भी होते हैं। इन ब्रीडिंग में इंडिविजुअल्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं, सेम ब्रीड के होते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। अब देखिए, आउटब्रीडिंग में सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं एनिमल्स, डिफरेंट ब्रीड के भी हो सकते हैं, बट इवन अगर सेम ब्रीड के भी हैं तो उनमें जो है वो कोई रिलेशन नहीं होगा, वो अनरिलेटेड एनिमल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने दो एनिमल्स सेलेक्ट किए, ये किसी इसका इसके पेरेंट्स कुछ और होंगे, इसके पेरेंट्स कोई और होंगे, ठीक है। फिर इनकी प्रोजेनी आएगी, ठीक है। अब इनकी प्रोजेनी आ गई, क्लियर। अब इसमें से हमने इसको, ये सबसे सुपीरियर था, इसको सेलेक्ट किया, ठीक। बट अब जो ये समझ लो ये फीमेल है, अब जो मेल लाएंगे वो हम इनमें से नहीं लाएंगे, किस कोई दूसरा मेल लाएंगे, ठीक, सेम ब्रीड का कोई दूसरा मेल लाएंगे। तो क्लियर है ना तुमको अब कि क्या हुआ? इनब्रीडिंग हुआ क्लोजली रिलेटेड में, आउटब्रीडिंग जो है वो अब देखिए कैसी होती है अनरिलेटेड एनिमल्स में, और ये कैसे है अनरिलेटेड एनिमल्स। तो देखते हैं अब वो अनरिलेटेड एनिमल्स कैसे हो सकते हैं, विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 6 to 10, 6 4 to 6 जनरेशंस। इसको हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग, ठीक। मतलब आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम होता है लेकिन इंडिविजुअल्स का अपने पिछले 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। जैसे इनके पेरेंट्स सेम नहीं हैं, ठीक, फिर इसके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी सेम नहीं होने चाहिए, उसके पिछले पेरेंट्स के पेरेंट्स भी सेम नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो ना। तो आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड होती है लेकिन सेम ब्रीड के पिछली 4 से 6 जनरेशन में कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक। वही अगर हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की, तो क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड्स ही डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक। तो अनरिलेटेड एनिमल्स होंगे लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड्स ही अलग हो जाएंगी। एंड देन आता है डिफरेंट स्पीसीज। अब ब्रीड तो क्या, स्पीसीज भी अलग कर दी गई, हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग करवा सकते हैं हम डिफरेंट स्पीसीज की भी, बट मोस्टली केसेस में आपको फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं मिलता है जब आप दो अलग स्पीसीज की ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक। तो हो गया डिफरेंट ब्रीडिंग, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज में जो ब्रीडिंग होती है उसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ध्यान से सुनते हैं। इन ब्रीडिंग में सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल होंगे और क्लोजली रिलेटेड होंगे, उनके पेरेंट्स जो हैं वो सेम 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 रहेंगे, ठीक। फिर इससे क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है या फिर
यील्ड डिक्रीज हो सकती है, तो इसलिए सोचा कि चलिए आउटब्रीडिंग करवाते हैं। आउटब्रीडिंग सेम ब्रीड में भी हो सकती है, डिफरेंट ब्रीड में भी हो सकती है और डिफरेंट स्पीसीज में भी हो सकती है। ठीक, तो जब आउटब्रीडिंग सेम ब्रीड के इंडिविजुअल में है लेकिन उन इंडिविजुअल के पिछले 4 से 6 जनरेशन में कोई एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है तो उसको हम आउट क्रॉसिंग कहते हैं। आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड होती है लेकिन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। क्रॉस ब्रीडिंग में जनरेशन तो सेम छोड़ो, ब्रीड ही अलग कर दी जाती है, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में स्पीसीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की। किसकी बात करेंगे हम? आउट क्रॉसिंग की। दिस इज द प्रैक्टिस फॉर मेटिंग एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। उनका जो पेडिग्री होता है, उनका जो वंश वंश क्रम जो चल रहा होता है ना, तो उनके वंश क्रम में पिछले 4 से 6 जनरेशन के बीच में उनमें कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए क्रॉस ब्रीडिंग के केस में। क्रॉस ब्रीडिंग के केस में सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर फॉर अबाउट पास्ट 4 to 6 जनरेशन। ठीक, अब आउट क्रॉसिंग से जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो ऑफस्प्रिंग आएगा, उसको हम आउट क्रॉस कहेंगे। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। देखिए, ठीक है, इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन बीफ एंड बीफ कैटल। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। ठीक, तो ये आउट क्रॉस जो है ज़्यादातर उन एनिमल्स में किया जाता है, वो एनिमल्स जिनमें कम दूध मिल रहा है हमको, और बीफ जो है, ठीक है, वो भी कम मिल रहा है। बीफ का जो ग्रोथ रेट है वो कम है या मिल्क का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उस केस में हम उनको आउट क्रॉस करवा सकते हैं। ठीक है, किसी सुपीरियर, जैसे फीमेल है, क्या हो रहा है, सुपीरियर फीमेल जो सुपीरियर नहीं है, अच्छा दूध नहीं देती, ठीक, तो उसकी प्रोजेनिया जो आई है उसमें हम थोड़ा सा एक को भी देखेंगे कि अगर सुपीरियर है, ठीक, सुपीरियर है तो फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे और किसी सुपीरियर मेल के साथ क्या करवा देंगे, मेट करवा देंगे। वो सुपीरियर मेल सेम ब्रीड का तो होगा लेकिन फीमेल के साथ उसका 4 से 6 जनरेशन के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होगा। ठीक, तो ये हो जाता है आउट क्रॉसिंग, जिसको हम कम दूध वाले एनिमल्स या कम मांस मिलता है, बीफ होता है गाय का मांस, है ना, कैटल्स जो कि कम दूध देते हैं, कम मांस बनता है, उनको सही करने के लिए हम आउटक्रॉस करवा सकते हैं। अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। याद रखिएगा कि एक सिंगल आउटक्रॉस ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकता है, उससे ओवरकम कर सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आउटक्रॉसिंग को। ठीक है, देखिए ये पेरेंट्स थे, इसकी ये प्रोजेनी आई, ये पेरेंट्स से इनकी ये प्रोजेनी आई। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑफस्प्रिंग आया है ये इनसे और इससे मिलके आया, बताइए मुझे क्या इस इंडिविजुअल के पेरेंट्स में कोई कॉमन एंसेस्टर है? नहीं है, है ना। अब ये वाला जो आया ये एक इसका है, एक दूसरा है, ठीक, इसके पेरेंट्स अलग हैं, इसके पेरेंट्स अलग हैं, समझ रहे हो ना। तो आउट क्रॉस में सेम ब्रीड बट इंडिविजुअल जिनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है उनके बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है। एटलीस्ट 4 से 6 जनरेशन तक तो कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की। तो आप जानते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में जो है वो क्या किया जाता है, दो अलग ब्रीड्स को ले लिया जाता है। इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। दो अलग ब्रीड्स होंगी लेकिन एक से सुपीरियर मेल लिया जाएगा, एक से सुपीरियर फीमेल ली जाएगी और आगे की प्रोजेनी लाई जाएगी। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। ठीक है,
क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो गया? दो अलग ब्रीड्स की जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, आपने उनको कंबाइन कर दिया, ठीक? द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में देमसेल्फ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. जो प्रोजेनी आई उसको हम आगे भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. देखिए, अमेरिकन सेटल ब्रेड एंड अरेबियन, ठीक, इन दोनों को मिला के जो है ये बना क्रॉस ब्रीड कराया गया, ये आगे हॉट्स बना, ठीक है. तो क्रॉस ब्रीडिंग में आप दो सुपीरियर मेल और फीमेल जो अलग अलग ब्रीड के होंगे उनको आप ब्रीडिंग करवाते हैं और उनके कैरेक्टर्स को, डिजायर्ड कैरेक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक. अब बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की आगे, मतलब ये भी क्रॉस ब्रीडिंग है, ये भी क्रॉस ब्रीडिंग है, हम पढ़ रहे हैं. अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सेलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स दैट मे बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रीड्स. अब क्या हो सकता है, देखिए, आपने दो अलग अलग ब्रीड्स के एनिमल्स में आउट क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, ठीक है, फिर ये प्रोजेनी आई, ठीक. अब आप चाहते हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन इस कैरेक्टर्स वाली बने, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स वाली और सुपीरियर कैरेक्टर और ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर्स के साथ आगे पॉपुलेशन बने, तो क्या अब आप इसका फिर से आउट ब्रीडिंग करवाएंगे, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे? फिर से क्रॉस ब्रीड नहीं करवाएंगे ना, फिर कोई दूसरी डिफरेंट स्पीसीज नहीं लाएंगे, ठीक. यही ऑलरेडी आपने सुपीरियर ले ली थी, इन दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर को आप और सुपीरियर बनाना चाहते हो, तो आप अब इनब्रीडिंग करवाओगे. इनब्रीडिंग में सेम ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड ऑफस्प्रिंग्स में ब्रीडिंग करवाई जाती है. अब इन ये क्लोजली रिलेटेड है, इनके एंसेस्टर्स तो सेम है, ठीक. अब इनमें से सुपीरियर को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर इनकी मेटिंग करवा के आगे प्रोजेनी आएगी. इसमें से भी सुपीरियर को सेलेक्ट करके आगे जो है वो प्रोजेनी आएगी. तो अल्टीमेटली जो ये पॉपुलेशन बनेगी आगे, जो नई पॉपुलेशन आई, एक स्टेबल ब्रीड आपके पास बन गई, ठीक, तो वो पिछली सारी ब्रीड से सुपीरियर होगी. क्लियर है कि नहीं है? है ना? तो यही बोला कि क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जैसे आपने वो हॉट्स का ब्रीडिंग करवाया और ये सुपीरियर हॉट्स जो है ये मिल रहा है, ठीक, हॉट्स एंड मेयर का आपने ब्रीड करवाया, सुपीरियर मिला, ठीक. आप चाहते हो कि इस सुपीरियर की पूरी एक पॉपुलेशन बने, ठीक, तो आप इसी हॉट्स के क्लोजली रिलेटेड जो फीमेल होगी उसके साथ ब्रीडिंग करवाएंगे और आगे से आगे ब्रीडिंग करवाते रहेंगे और बहुत ही सुपीरियर एक प्रोजेनी फॉर्म हो जाएगी, ठीक, जो कि पहले से ज्यादा सुपीरियर होगी, ठीक है. तो समझ के ना, क्रॉस ब्रीडिंग के बाद आप इनब्रीडिंग भी करवा सकते हैं अगर स्टेबल ब्रीड चाहिए. मैनी न्यू एनिमल ब्रीड हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच. बहुत सारी नए जो ब्रीड्स हैं वो बनाई गई हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दिया है हिसारडेल, ठीक. हिसारडेल जो है इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाई क्रॉसिंग बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम्स. यूज मतलब भेड़, रैम्स मतलब जो मेल भेड़ है, ठीक है. तो बीकानेरी एंड मरीनो, ये देखिए, बीकानेरी एंड मरीनो को मिला के हिसारडेल का एक ब्रीड तैयार किया गया. अब हिसारडेल का ब्रीड तैयार हो गया है, हिसारडेल के और भी भाई बहन होंगे, ठीक. बोलने को तो भाई बहन एनिमल्स में इस तरह का कुछ चलता नहीं है, ठीक है. तो आगे आपको एक स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए, तो आप सुपीरियर को सेलेक्ट करके आगे ब्रीडिंग करवाते रहेंगे और कौन सी ब्रीडिंग करवाएंगे, इन ब्रीडिंग करवाएंगे, ठीक है. अब बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की. इसमें आपको पता है कि क्या किया जाता है. इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड, ठीक है. दो अलग स्पीसीज होंगी बट समहाउ रिलेटेड स्पीसीज होंगी. देखिए, इन इनब्रीडिंग में स्पीसीज सेम थी, स्पीसीज तो छोड़ो, ब्रीड भी सेम थी, ठीक, और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे. आउट ब्रीडिंग में क्या हुआ? आउट ब्रीडिंग में ब्रीडिंग ब्रीड सेम रही लेकिन अनरिलेटेड इंडिविजुअल थे. क्रॉस ब्रीडिंग में दो अलग ही ब्रीड्स आ गई और इंटर स्पेसिफिक में तो स्पीसीज ही अलग हो गई, है ना, लेकिन थोड़ा रिलेशन रिलेटेड स्पीसीज होंगी. इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड मे बी
ऑफ कंसीडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ केसेस में जो है प्रोजेनी के जो हम इंटर स्पेसिफिक दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में मेटिंग करवाएंगे तो आगे जो प्रोजेनी आएगी ठीक है उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स रहेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्टिराइल होता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, ये देखिए ये है म्यूल। म्यूल जो है इसका मतलब भार ढोने के काम आएगा और दौड़ भी पाएगा। खच्चर खच्चर जैसे हम बोलते हैं, घोड़ा घोड़ी है ना, गधा गधी नहीं बोलना है, गधा और घोड़ा ठीक है मिला के म्यूल बना है, खच्चर हम इसको ऐसे बोलते हैं ठीक। और आप क्या बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया ठीक। तो इसमें मतलब ये भाग भी सकता है और भार भी उठा सकता है ठीक है, भाग भी सकता है तेज और भार भी उठा सकता है। तो इसकी थोड़ी कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू तो है ना हमारे लिए, हालांकि म्यूल स्टिराइल होता है, आगे ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा करता। डू यू नो व्हाट क्रॉस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ म्यूल, क्या आप जानते हैं कि किन में क्रॉस हुआ और म्यूल बना? तो म्यूल्स आर हाइब्रिड रिजल्टिंग फ्रॉम मेटिंग बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। ठीक है याद रखिएगा, हॉर्स जो था मतलब एग्जैक्टली फीमेल हॉर्स क्या बोले, मेयर हम बोल सकते हैं ठीक है, मेल डंकी जैक, ठीक जैक जैकैस भी, जो म्यूल है उसको जैकैस भी कहा जाता है ठीक है। तो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी में जो है वो ब्रीड करवाया गया था तब जाके म्यूल बना था। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, रिवाइज कीजिए एनसीईआरटी पढ़िए कि आउटक्रॉस क्या हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग क्या हुआ, इनब्रीडिंग क्या हुआ, आउटब्रीडिंग क्या हुआ। तो